ताजा मामला उत्तर प्रदेश के संभल के थाना रजपुरा के गांव रानीगंज का है, जहां पर स्कूल जाती छात्राओं के साथ गांव के ही दबंग किस्म के लड़के छात्राओं से स्कूल आते जाते समय छेड़छाड़ करते हैं। दबंग सौदे पिछले 5-6 दिन से लगातार छेड़खानी करते चले आ रहे हैं। कल स्कूल से घर वापस आते समय इन्हीं दबंग लड़कों ने वारदात को पुनः दोहराया। छात्राओं का आरोप है कि सुबह जब घर से निकलकर स्कूल के लिए पढ़ने जाते हैं तो दबंग किस्म के ये लड़के समूह बनाकर हमारे साथ छेड़खानी करते हैं, लगातार रास्ते में घात लगाए बैठे रहते हैं, खौफनाक भेड़िया, बस स्टैंड से बस में चढ़ जाते हैं और शरीर में पहनने कपड़ों को खींचतान करते हैं। बेखौफ दरिंदों से अपनी इज्जत आबरू बचाना मुश्किल लगता है। आज है पूरा प्रकरण छात्राओं ने घर पहुंचने के बाद अपने परिवार में अपने माता पिता को बताया, जिस पर बेटियों का माता के साथ थाना रजपुरा में ले जाकर इन दरिंदों के खिलाफ शिकायत पत्र दिया गया तो थाना इंचार्ज रजपुरा ने दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करने से साफ इनकार कर दिया और उल्टा छात्राओं को डरा धमका कर उन्हीं पर उल्टी कार्रवाई करने के लिए कहा और वापस घर भेज दिया। अभी एक माह पहले ही थाना रजपुरा के गांव पाठकपुर में एक महिला के साथ गांव के दबंगों ने गैंगरेप कर जिंदा जलाने की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें पहले की थाना रजपुरा पुलिस ने कार्रवाई करने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन मामला जब मीडिया के संज्ञान में आया तो पुलिस अधीक्षक संभल के द्वारा कार्रवाई की गई थी। लगता है कि संभल जनपद के रजपुरा थाना की पुलिस छात्राओं के साथ भी किसी ऐसी ही घटना का इंतजार कर रही है, लेकिन पुलिस विभाग दरिंदों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बनाया गया, ना कि उनकी मदद करने के लिए। रजपुरा थाना अध्यक्ष सहोदे के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। ऐसे में संभल पुलिस पर कई सवाल या निशान खड़े होते हैं। आखिर दबंग दरिंदगी को खौफ क्यों नहीं दे रहे? दबंगों पर पुलिस कार्रवाई पहले से क्यों नहीं करती? पीड़ित की शिकायत को अनसुना क्यों कर दिया जाता है? रजपुरा दलित थाना दबंगों के आगे घुटने क्यों टेक रही है? दबंगों की वारदात को अंजाम देने से पहले पुलिस को पीड़िता का आवाज सुनाई क्यों नहीं देता? आखिरकार पीड़ित दर दर भटकने को क्यों मजबूर हो जाते हैं? इसका जवाब थाना पुलिस ही बता सकती है, जो मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे देश और प्रदेश में कैसे पढ़ेंगी बेटियां, कैसे बचेंगी बेटियां? स्कूल जा रहे थे तो वो दो लड़के साइकिल खड़ी कर, यहाँ पर हम बैठते हैं बस के इंतजार करते हैं, वहाँ पर साइकिल खड़ी करी थी उन्होंने, तो हम बस में चढ़े थे तो बदतमीजी करने लगे, तो कभी सलवार खींचते हैं कभी पजामे खींचते हैं, वैसे बदतमीजी करने लगे। फिर हम स्कूल में पहुँच गए थे, फिर हम लंच कर रहे थे, फिर क्लास में बार बार आ रहे थे वो, फिर बदतमीजी बोल रहे थे। कहाँ के हैं ये लोग? ये रानीगंज के हैं। अच्छा, दबंग टाइप के हैं क्या? अच्छा, फिर आपने किसी से शिकायत की इसकी? नहीं, हाँ हम चौकी में गए थे तो उन्होंने मना कर दिया कि चले जाओ यहाँ से वरना तुम्हें ही बंद कर देंगे। अच्छा, थाने फिर थाने गए क्या? नहीं, हाँ हम थाने गए थे। तो थाने में क्या कह दिया? कहती कि भाग जाओ यहाँ से वरना यहीं पर बंद कर देंगे, और हमारे दो भाई हैं उनकी मारपीट करी थी, फिर वो वहीं पर थाने में बंद कर दिए। पुलिस ने मारपीट करके उन्हें बंद कर लिया? नहीं, बंद कर लिया है। और आज भी वो लड़का लंच में पहुँच गया था दूसरा पीटने के लिए हमें। अच्छा, उसके साथ में जो आता है वो लड़कों के लिए लेके आज स्कूल में पहुंच गया था पीटने के लिए। अच्छा, बोला था घर पर शिकायत करी तो तुम्हें यही जान से मारा। एक महीने से हमें धमकाते हैं, एक महीने से परेशान करते हैं, कभी सलवार खींचते हैं कभी दुपट्टा खींचते हैं, ऐसे ही परेशान करते रहते हैं। और हमारे माता पिता गरीब हैं, उनके लिए धमकाते हैं तो वो कह नहीं सकते हैं। हम चौकी गए थे तो उन्होंने हमें भगा दिया, तो अब अगर हमारी कोई शिकायत नहीं सुनेगा तो हम आत्मा तोड़ के मर जाएंगे। अच्छा, और क्या क्या मामला है, क्या नाम है उसका? उसका नाम, एक का नाम हरी किशन है, वो ही हमें परेशान करता है, और एक भूपन है और एक ललतू है। कहाँ के रहने वाले हैं? रानीगंज के रहने वाले हैं। अच्छा, पुलिस में गई थी आप? हाँ। क्या कह दिया? मना कर दिया कि चले जाओ यहाँ से। हमारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो है वो गए थे ये दबंगी दिखा रहे थे। कौन? ये काके थे दूसरी पार्टी के। अच्छा, दूसरी पार्टी कौन से गांव के? रानीगंज के। अच्छा, और हम गरीब आदमी साहब, बताओ बच्चे पढ़ावे नहीं पढ़ावे। तो इसकी शिकायत नहीं करी आपने किसी से? कई चौकी में करी, चौकी में दाम फाम बदल, पुलिस ने सुनी नहीं, वहाँ की ने कान बात नहीं करी, 100 नंबर तक हाल को फोन किया, हमारी बेटी भी जाती है। अच्छा, आपकी बेटी की शादी बत्ती नहीं करी? हाँ बिल्कुल, बत्ती जी नहीं करी। अच्छा, हमारे पिटाई करी लड़का फड़कन की, तो ये समझ लो बत्ती करी हमारी लड़की के साथ हुई, ये समझ लो इन्होंने, लड़की ने ये समझ लो बीच बिचाई में बहुत पिटाई कर दी, कोई बालक नहीं भजन दिया इन्होंने।
सबसे पहले तो ये बता दूं, ये बच्चियां इतनी कमजोर नहीं है कि स्कूल जाना छोड़ देंगी। आज के समाज में अगर बच्चियां इस तरीके से डरेंगी, इस तरीके से पीछे रहेंगी, तो इसके मतलब है कि उनको वो सही से मजबूती नहीं पा सकी है। उनको मजबूती देने के लिए ही पुलिस विभाग उनके साथ खड़ा है और हम उनके साथ हैं। हमारा थाना रजपुरा क्षेत्र उनके साथ में है और सभी लोग साथ में हैं। बच्चियां स्कूल नहीं छोड़ रही हैं, इसके लिए FIR दर्ज किया गया है। बच्चियां जो थाने गई हैं उनसे बातचीत की गई है और जो सौदे जिसके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। और हमारी बच्चियां कतई कमजोर नहीं है कि वो भागेंगी, वो इन सारी परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करेंगी। और जो हमारा 1090 है नंबर, वो इसी बात के लिए है कि महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए है। जब भी किसी को कोई समस्या हो, कोई बात आए महिला से संबंधित, तो तत्काल वो पुलिस को फोन करें, इन नंबरों पर एक कॉल करें और पुलिस उनके साथ खड़ी है हमेशा उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सहयोग के लिए। इस मामले में, पर्टिकुलर मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और तत्काल कार्रवाई की जा रही है।